नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सडी के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सडी के पार्ट से जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों इस वीडियो में भूगोल के भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल के पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है, 8,848 मीटर है। वर्तमान में कुछ यूनिवर्सिटियों के अनुसार 8,850 मीटर है। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को कितने समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत क्षेत्र, बात हिमालय, हिमेद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय यानी कि शिवा लिक के नाम से भी जानते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन है? हिमालय की सबसे दक्षिणम श्रेणी कौन है? तो शिवा लिक श्रेणी है। कौन है? शिवा लिक श्रेणी है। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है? तो कौन है? शिवा लीक है। आरावली श्रेणी कितनी लंबाई में विस्तृत है? तो कितनी लंबाई में विस्तृत है, तो 800 किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात के पालनपुर से, राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक विस्तृत है। आरावली का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था, प्री क्रेम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी कौन है? तो कौन है, गुरु शिखर है। इसकी लंबाई 1722 मीटर है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि पर्वत किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी किस पठार का भाग है? तो किस पठार का भाग है, तो दक्कन का पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है? तो किन राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा की श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है, तो धूपगढ़ में मिलती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1,350 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में विस्तृत है? तो किन राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है। नीलगिरी का सर्वोच्चतम शिखर दोदापेटा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है, 2,637 मीटर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्चतम शिखर अनाईमुड़ी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है, 2,695 मीटर है। यह कहाँ स्थित है, या अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। केरल में सह्याद्री को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं, सहाय पर्वतम के नाम से जानते हैं। पर्वत श्रेणी जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः स्थित हैं, तो कौन किस क्रम में स्थित हैं, शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम क्रम में स्थित हैं। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं, केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में स्थित हैं। कार्डामम पहाड़ियों पर किसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है, इलायची की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु के सलेक कस्बे में स्थित हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ फैली हैं? तो कहाँ फैली हैं, महाराष्ट्र में फैली हैं। कामसेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ की प्रसिद्ध घाटी है? तो कहाँ की प्रसिद्ध घाटी है? तो लद्दाख की घाटी है। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? स्थित है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो कितना मीटर है? 8611 मीटर है। या पीओके में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 8598 मीटर है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 7816 मीटर है। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में के मध्य स्थित है। थलाघाट भोरघाट पालघाट किसके प्रमुख दर्रे हैं? तो किसके प्रमुख दर्रे हैं? तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।